आज हम अरवल जिला के करपी प्रखंड के पंचायत रामपुर चाय में हैं। यहाँ पर दो चार दिन पहले आंगनबाड़ी का चयन किया गया था। एक आंगनबाड़ी को निरस्त कर दूसरे आंगनबाड़ी को चयन किया गया था। यहाँ के ग्रामीण के जनता को कहना है कि यहाँ पर जो चयन किया गया, जिस पदाधिकारी के द्वारा चयन किया गया, वो पदाधिकारी गलत किए। पूर्व के में जो यहाँ के आंगनबाड़ी सेविका थी उसको के हटा करके नया सेविका का बहाल किया गया, लेकिन यहाँ के ग्रामीण जनता बार बार कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। आइए हम आपको परिचय कराते हैं उनको से, यहाँ के ग्रामीण जनता से, जिनके साथ इस तरह से इस पंचायत में हैं सारे लोग हैं, हम उनसे आपको परिचय कराते हैं, पूछते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या मामला है यहाँ का। आइए सबसे पहले आप परिचय देंगे। मोहम्मद समद अंसारी। तो बताइए क्या मामला है यहाँ का। यहाँ का मामला यही है, हम लोग सुने कि पहला स्थान पर जो था राजिया खातू, तो उसको रद्द कर दिया गया डबल सर्टिफिकेट जो अधिकार राजिया खातू जी के डबल सर्टिफिकेट। हाँ बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं कि डबल सर्टिफिकेट इसीलिए रद्द कर दिया गया, तो उन लोग कुछ बता नहीं रहे हैं। बाकी कुछ है। मतलब केवल बोल रहे हैं कि डबल सर्टिफिकेट है इस शब्द इनको हटाया जाता है। हाँ हटाया जाता है और कोई प्रूफ नहीं। नहीं देखिए साफ बोल रहे हैं कि जो राजिया खातून को हटाया गया उन पर सीधा आरोप लगा कि इनके पास डबल सर्टिफिकेट है, लेकिन जब प्रूफ मांगा गया तो कोई प्रूफ नहीं। तो बताइए था कि चयन फिर कैसे हुआ, चयन करने वाले कौन पदाधिकारी थे? रेखा मैडम है। रेखा मैडम कौन है? परिवेशिका है। परिवेशिका जी। तो कैसे नियुक्ति उनको किए? अब कैसे वही बता सकते हैं, आंगनबाड़ी को देख रहे हैं हम लोग, चालू है गुप्त रूप से, ना आम सभा लगा न कुछ लगा। एक तो केस चल रहा है उस पर और उसका डबल सर्टिफिकेट भी है। किसका डबल सर्टिफिकेट? रोहित प्रवीण का। क्या पांचवा स्थान पर कोई सबूत है आपके पास? जी सबूत है, दिखाएंगे। हाँ दिखाएंगे, ये आपका सबूत है, डबल सर्टिफिकेट है इस पर हुआ है। देखिए ये रोहित प्रवीण का सर्टिफिकेट बता रहे हैं कि रोहित प्रवीण का डबल सर्टिफिकेट है, तो एक सर्टिफिकेट ये है और कहाँ दूसरा ये इधर है, आप देखिए देख रहे हैं। अरे उर्दू से मौलाना से, दोनों में डेट और देखिए इनका दो सर्टिफिकेट है, रोहित प्रवीण का, रोहित प्रवीण का दो सर्टिफिकेट है और दोनों सर्टिफिकेट में डबल डेट ऑफ बर्थ है। वो हम डेट ऑफ बर्थ भी बताएंगे आपको। उर्दू से जो इनका डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 1999 है और एक में है इनका बिहार बोर्ड से है 10 सितंबर 1997। तो ये एक आदमी के दो जन्मतिथि नहीं हो सकता है, लेकिन कैसे यहाँ बहाल किया जा रहा है, क्या है मामला और बताइए उनके बारे में क्या जानते हैं? जो परवीन है कितने नंबर पर? परवीन पांचवा नंबर पर है। पहला नंबर पर कौन थे? पहला नंबर पर थे आयुर्वेदी के बच्ची हैं। पहला देखिए ये जो लिस्ट यहाँ जो जारी किया गया है, जो नया जो चयन किया गया उसमें पहला नंबर पर है नुसरत जहां आरा, दूसरे नंबर पर है रजिया खातून, तीसरे में कविता कुमारी और चौथे नंबर पर है रूबी परवीन, जो कि पहला नंबर के नहीं हुआ, दूसरा नंबर के नहीं हुआ, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। आखिर किस कारण से यहाँ पर चौथा नंबर को बहाली किया गया? ये सारे मतलब और ग्रामीण जनता है उन लोगों से हम जानेंगे कि क्या यहाँ जो चयन हुआ आंगनबाड़ी का सेविका का सही चयन हुआ कि गलत चयन हुआ। आप अपना परिचय दें। राज कुमार गुप्ता जी। तो बताइए गुप्ता जी क्या यहाँ की स्थिति है? यहाँ की स्थिति ये जो हम दो नंबर वार्ड के जो ग्रामीण जनता है, हम लोग से इस बारे में कोई राय विचार विमर्श कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग रजिया खातून का जो चयन हुआ था वो दो नंबर वार्ड के ग्रामीण जनता के सामने चयन हुआ था, अब उनको दो सर्टिफिकेट के आधार पर उनको इसमें पद से हटाया गया। और जो रूबी परवीन है उनको उनका भी दो सर्टिफिकेट का हमको पता नहीं कि उनको किस आधार पर चयनित किया गया है। कोई ग्रामीण जनता यहाँ के लोग बता रहे हैं, यहाँ के ग्रामीण बहुत से ऐसे ग्रामीण जनता यहाँ के लोग बताए किस आधार पर चयन किया गया हमें पता नहीं। आप बताएंगे क्या आम सभा हुआ था यहाँ? नहीं आम सभा नहीं हुआ, आम सभा तो सिर्फ रजिया खातून के समय में हुआ था। इस बार जो चयन हुआ इसमें वार्ड सदस्य रहते हैं और पंच रहते हैं, ग्रामीण जो प्रतिनिधि हैं वो सारे लोग थे, वो मीटिंग हुआ था? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो यहाँ पे ना हमारे वार्ड सदस्य ना वार्ड सचिव थे
और हम लोग खुद से अपना कैसे किए हमको नहीं पता, लेकिन कुछ यहाँ पे बैठक नहीं बुलाया गया, किसी को बुलाया नहीं गया। आपका नाम क्या है? राजू कुमार गुप्ता। राजू कुमार गुप्ता बता रहे हैं कि जो यहाँ पर चयन किया गया वो चयन आम सभा के द्वारा नहीं हुआ, न केंद्र वार्ड सदस्य थे, न पंच थे, वो गांव के प्रति नहीं थे, तो फिर चयन कैसे किए? घर में बैठ के चयन किए कि कहीं और जाके चयन किए? नहीं पता कि वहां पे चयन हुआ है। कुछ दिन पहले, अभी दो चार दिन पहले यहाँ पे रेखा जी अरवल क्या परवेजिका है करती में जो आए थे और घर में कुछ वार्तालाप उन्हीं के घर में बैठ के किए, और जब हम ग्रामीण जनता जब जाना तो उनसे पूछताछ किए तो कुछ हम लोग को बताया नहीं और यहाँ से चले गए। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि से जो रेखा जो यहाँ के प्रवेशिका है आंगनबाड़ी का, वो आम सभा में न कर करके किसी के घर में बैठ करके जिनको चयन किया गया उनको घर में बैठ के चयन किया गया है। आप देखे थे डीआरटी की जनता के पास मैं अक्षय कुमार दिलीप जी के साथ